थूना खुर्द के आक्रोशित किसानों ने गुरुवार की रात 8 बजे मंदिर के सामने बैठकर प्रदेश सरकार की बीमा नीति के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भगवान हनुमान जी महाराज से की। किसानों ने सरकार के द्वारा दिए गए भेदभावपूर्ण बीमा धन को सरकार को ही वापस करने का प्रस्ताव भगवान के सामने पारित किया। ग्राम पंचायत जमोनिया थूना खुर्द के हल्का नंबर 21 के 600 से अधिक किसानों को वर्ष 2019 का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रति एकड़ कुल 800 रुपए ही बीमा धन प्राप्त हुआ है, जबकि किसानों के जिला सहकारी बैंक मंडी और पचावा बैंक ऑफ इंडिया के खातों से सरकार के द्वारा अधिकृत बीमा कंपनी ने 1500 रुपए का प्रीमियम काटा है। प्रति एकड़ सोयाबीन की फसल बोवनी करने में किसानों को लगभग 15000 रुपए से अधिक का खर्चा भी करना पड़ा है। बीमा कंपनी ने फसल खराब होने के बाद यहां अन्य ग्राम पंचायतों में 10 से 15000 रुपए प्रति एकड़ तक बीमा राशि दी है, तो वहीं ग्राम पंचायत जमोनिया और थूना खुर्द के किसानों के साथ सीधी सीधी धोखाधड़ी की गई है। हर किसानों को वर्ष 2018 का भी बीमा धन अब तक नहीं मिला है, जिसके लिए क्षेत्र के किसानों ने कई बार आवेदन निवेदन प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से किया है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। इस वर्ष भी किसानों की सोयाबीन की फसल बांझ हो गई है, इसका अब तक सर्वे भी नहीं कराया गया है। कम बीमा धन मिलने से किसानों में सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी बनी हुई है, तो दूसरी ओर किसानों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। इसके चलते किसान गांव के मंदिर के समक्ष एकत्रित हुए और भगवान से प्रदेश सरकार के द्वारा उनके साथ की गई धोखाधड़ी मनमानी मजाक की शिकायत की। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से रमेश चंद्र शर्मा, कांताराम विश्वकर्मा, वीर सिंह यादव, गोवर्धन माली, दीपक मेवाड़ा, लक्ष्मण मेवाड़ा, गजराज विश्वकर्मा, कमलेश यादव, श्रीमती नरबदी शर्मा, अयोध्या बाई, देवाराम बागवान, रामचंद्र मेवाड़ा, प्रेम शर्मा, कन्हैयालाल विश्वकर्मा, मदन लाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। इस बार हमने जब हमारी फसलें 19 में खराब हुई तो हमने पटवारी साहब को बुला कर पूरे गांव के सामने समक्ष हमने सोयाबीन उन्होंने भ्रमण करा पूरे गांव का और सोयाबीन को कूटा और पंचना बना के 70% हमारा नुकसान उनने आका, जबकि हमारे यहाँ सोयाबीन किसी एकड़ में 25 किलो 50 किलो 19 में पैदा हुई से ज़्यादा हुई नहीं। पड़ोस के सभी गाँव में 4 से 5000 रुपये प्रति एकड़ का इनने वो बीमा दिया और हमारे टोटल गाँव को इनने 800 रुपये एकड़ के हिसाब से बीमा दिया, तो किस हिसाब से दिया, 70% हमारा नुकसान हुआ, जबकि एक एकड़ में 19 में हमारे यहाँ पटवारी को हमने देखा 25 किलो 50 किलो प्रति एकड़ हमारे यहाँ पैदावार सोयाबीन की हुई थी। इसलिए हम पूरा गांव बहुत दुखी, अगले साल भी हमें बीमा नहीं मिला और इस साल भी हमें बीमा जो है इनने 800 रुपये एकड़ का दिया, जबकि हम अपना तालाब जमुनिया और ये गाँव थूना खुर्द दोनों गाँव के जो किसान हैं हर साल इनकी फसल में से बैंक से इनका वो कटता है केसीसी में से इनका फसल बीमा, लेकिन बीमा राशि नहीं मिल पाती है। पिछले साल भी नहीं मिला 2018 का, इस बार 2019 वाला जो बीमा आया वो भी नहीं मिल पाया। अगर ये 3-4 साल से हालत देखी जाए तो किसान इसमें अपना आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर हो चुका है। 800 रुपए कल मिले रहे तो इसमें क्या होगा, नहीं है बिल्कुल भी नहीं है संतोष में, क्या होगा इतने से में नहीं है, डीजल पानी नहीं निकलता है बिल्कुल, इतने से में क्या होगा, सब मिलेगा तो 800 रुपए एकड़ में जो नुकसान हुआ वो तो मिलना चाहिए ना। 800 रुपया में गुजारा ही नहीं हुआ हमारा पूरा, हो बच्चे का करेंगे और हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे, 3-4 साल होगा फसल नष्ट हो, क्या करेंगे, आप भी बकर हाँक दी कुछ नहीं, डीजल के पैसे ही नहीं तो कहाँ से जमीन करें। सर हर बार कटता है लगभग 1500 रुपये के करीब कटता है एक हेक्टर का और हम 3 साल से तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और हमारी पंचायत में 2018 का भी बीमा नहीं मिला है और 2019 का जो कि हमें बहुत उम्मीद थी, हमने आगे रह के सर्वे कराया पूरा गाँव, इतना दुखी था कि बिल्कुल स्थिति 2019 में इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि अभी तक इतनी स्थिति खराब नहीं आई, लेकिन उसी 2019 का यहाँ बीमा बिल्कुल ना के बराबर आया है। बीमा कंपनी वाले बीमा की वो किस्त तो पूरी काट लेते हैं और बीमा पर्याप्त नहीं मिला मिला है किसानों को, किसान कहीं ना कहीं बेवजह से परेशान है और कहीं ना कहीं जो मंदी हुई है ये कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार सरकार है और हम किसान लोग सब के बीमा प्रीमियम जमा करते हैं और लगभग 500-800 रुपये पर हेक्टेयर के काट लेते हैं और जितना काटा है सर उतना ही बीमा आया है, इससे आप 100% स्थिति खराब मानी जा रही है इस समय और इससे दुखी है किसान,
और आने वाले वर्षों में भी किसान को कोई राहत राशि या बीमा या योजना के तहत कोई पैसा नहीं मिला है, जिससे किसान काफ़ी दुखी है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा दिक्कतें सामने खड़ी है किसानों के। तो इस स्थिति में किसान जो है कहीं कहीं तो आत्महत्या करने की स्थिति में जो है अग्रसर हो रहा है। उन्होंने तो बोल दिया लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है सर, कुछ भी नहीं मिल रहा है। पिछली बार तो हमारी पंचायत को पूरा छोड़ दिया गया, इस बार जो मिल रहा है सर वो लगभग 800 रुपये एकड़ के हिसाब से मिल रहा है। प्रीमियम पूरा कटता है और जब सर्वे होता है तो बोलते हैं कि 25% जो रहता है उससे कभी बीमा कम नहीं मिलता, लेकिन अभी की तारीख में सर 9% दिया उन्होंने। ये 800 रुपये एकड़ में हम लोगों का डीजल लेने के घंटे में 800 रुपये, तो डीजल है 90 रुपये लीटर। सरकार से हम लोगों को बीमा दे अच्छा, यही चाहते हम लोग। इस बार का सर्वे करा, सर्वे कराया गाँव का डबल से, वो बीमा आना चाहिए अच्छा। आपके सामने साहब बुरे हालात है, पानी नहीं गिरा तो फसल में बखर हाँक दी गई है, हमारे सोयाबीन की फसल ही खराब हो गई पूरी, बखर हाँक दी हमने। मुआवजा क्या मदद मिली आपको? सरकार से कोई मदद नहीं मिली अभी तक।